काफ़ी ज़्यादा मैं स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व करता हूँ जब वो आपस में वो करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उनका जो अंदाज़ डिस्कशन का होता है, मतलब अपने वो अपने हाँ मतलब अपने ही तरफ से जो पॉइंट्स वगैरह एड करते हैं, फिर उनका अपना ही कुछ मज़ा होता है, समझ आ रहा कि नहीं? पैसे पर रखा है टिकाई, देखो तेरा खाट अच्छा आज की बात कर, वो जो पश्तो में कहते हैं वो तो इसी तरह से कहते हैं ना, देखो तेरा खाट है, तो वो तो आप खुद समझिए। इंसान को फिर जब किसी का कोई अपना सब्जेक्ट हो उसे डिटेल में पढ़ाओ, फिर उसको अजीब सा लगता है कि देखो ये क्या मजाक कर रहे हैं। यहाँ पे अभी मैंने किसी को सुना था कि दादी खुद रखा के देखो तो बोला तो इस तरह से चले। खैर बार के तो हम आते हैं क्वेश्चन 178 की तरफ। ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल हैं, मैं इसको ना पढ़ूँ तब भी आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन मेरे लिए पढ़ना ज़रूरी है। सो व्हेन 10^19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल प्लेट्स द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज क्या कहा? तो देखो ना लाइको, एक इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज में, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है अब बताओ जरा? -19 बोलो कूलम, सही है। सवाल कह रहे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10^19, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करो 10^+19 से, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसल, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है? 179 अतिन जब उससे कहा स्फेरिकल शेल, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ गाजला से, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड स्फेरिकल शेल इज ऑलवेज जीरो। स्फेरिकल शेल के इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। तो इस सवाल ना लेखो, आप लोग इस पर सोच रहे थे दादी खतरा काट बसी वक्की बेपाबंद लोग चले। 180 द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सरफेस ऑफ एनाटॉमिक, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एनाटॉमिक न्यूक्लियस जेड आपको आपको गिवन है कितना है? 50 ऑफ रेडियस। ये चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक न्यूक्लियस के सरफेस पे, सॉरी एक एटम के, एक एटम जिसके न्यूक्लियस के अंदर कितने आपके पास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 50, उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितनी होगी? क्योंकि चार्ज अपने सरफेस पे क्रिएट करता है ना, पोटेंशियल के नहीं करता है, तो कितनी पोटेंशियल होगी वो आपसे पूछ रहा है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? K³ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, नहीं हाँ K अपनी जगह पे, व्हाट इज क्यू? चार्ज। लेकिन इसको ऐसे लिखते हैं, इसको गौर के साथ देखो, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही चीज़ है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप जानते हैं कि आप सारे सुन रहे हैं ना, बातें तो नहीं कर रहे? अच्छा चलो सही है। Z की वैल्यू कितनी है? 50 है। K की वैल्यू सबको पता है 9^10^9 है। Z की वैल्यू 50 है। इलेक्ट्रॉन का या प्रोटोन के ऊपर जो चार्ज है वो भी आपको पता है कितना है? 1.6×10^-19 है। और R की वैल्यू कितनी गिवन? 9/10^-50। 9 और 9 क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो इसका आंसर चेक करें, इसका आंसर जो भी आता है क्लियर है, ये आता है इसका आंसर 50 मल्टीप्लाई करो 1.6 है, और फिर ऑप्शन देखो जो भी ऑप्शन है। सी मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 181। टू इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर द चार्ज ऑन इट इज, जब किसी कंडक्टर से दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे तो फिर कितने प्रोटॉन्स बच जाएंगे? दो प्रोटॉन्स ही बचेंगे ना। डिफिशेंसी ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट टू पॉजिटिव चार्जेस, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? टू पॉजिटिव साइंस, तो इसी वजह से टू होल्स जिसे कहा जाता है, इसी वजह से इस बात को याद रखें कि आपके पास टू प्रोटॉन्स बच जाएंगे, और टू प्रोटॉन का चार्ज कितना है? 1.6×10^-19 कूलम है। इसका आई थिंक गालिबन ये आंसर आता है 3.2×10^-9। टू प्लेट्स, टू सेंटीमीटर, सवाल क्या कह रहे? टू प्लेट्स आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर है, और वी की वैल्यू आपको गिवन है 10, और डिवाइड बाई आर की वैल्यू 2×10^-2 5 10 हो जाएगा 5 10^-2 ऊपर 2 हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन जो आएगा वो कितना आएगा? 500 आएगा ना, 500 न्यूटन पर कूलम आएगा। आगे ना बात समझ में, देखो 10 ये है ना, डिवाइड करो 2 से, 2 5 10 होता है, 10 पावर
ये माइनस टू है, ऊपर जाके प्लस टू हो जाएगा। हंड्रेड फाइव से मल्टीप्लाई करो, फाइव हंड्रेड, देखो आंसर आए। हाँ कुछ नेक्स्ट ज़रा देखते हैं, इस सवाल को देखने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव जो चार्ज हैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा अवे होती हैं उससे, तो इसमें एल्फा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84, जब उसने डायग्राम ऐसे बनाया है तो इस बात को याद रखो कि यहाँ पे इस ग्राफ में, इस डायग्राम का मतलब यूनिफॉर्म फील्ड है उसकी। फील्ड क्या है बोलो भाई? यूनिफॉर्म है। अब एक बात हमेशा याद रखें, सवाल क्या कह रहे हैं इसको ज़रा एक बार देखें। विच ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विद द डिस्टेंस। हम कहेंगे कि भाई वो डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं कर रहा है, बल्कि क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू उसकी। क्यों फिक्स वैल्यू है? क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड को शो किया गया है। यूनिफॉर्म फील्ड क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस वगैरह लाइन्स के दरमियान क्या है, सेम है। जो मैंने कल बताया था कि यहाँ पे लाइन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो आर क्या होता है, फिक्स होता है। तो ई का फार्मूला अगर आप देखेंगे तो उसके फार्मूले में आता है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट और आर जब कांस्टेंट हो जाए तो सब चीज़ें कांस्टेंट, तो ई कांस्टेंट, जब ई कांस्टेंट आएगा तो ग्राफ आप देखेंगे वो ग्राफ भी कांस्टेंट आएगा। तो वो कौन सा ग्राफ होगा? दैट ग्राफ विल बी द चार्ली। 185, टू पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड शाबाश। टू पॉइंट चार्जेस प्लस टू कूलम, एक टू कूलम है, दूसरा कितना है, ये सिक्स है, सिक्सटीन है, सिक्स कूलम। रिपेल इच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते, क्यों रिपेल करते हैं? क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है, रिपेल करना चाहिए उसको। रिपेल इच अदर विद अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, इनके दरमियान फोर्स कितना है, 12 न्यूटन है। सवाल को आगे पढ़ो, इफ अ चार्ज ऑफ माइनस टू कूलम इज गिवन टू ईच, अगर हर एक को टू कूलम चार्ज दे, लेकिन टू कूलम नहीं बल्कि देखो इसको माइनस टू कूलम दो तो नेट चार्ज कितना आया, जीरो आया। इसको माइनस टू कूलम दे दो, आंसर कितना है, को जीरो केस है, फोर कूलम आया। अब जरा देखें, अगर आप जो है इस सवाल को देखें, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है द फोर्स विल नाउ बी, फोर्स का फार्मूला क्या है, कूलम्स लॉ से, के क्यू वन क्यू टू डॉट बाई आर स्क्वायर है ना, क्यू वन जीरो है, क्यू टू ये है, समझ आया कि नहीं है। अब जीरो मल्टीप्लाई बाई डबल शी इज इक्वल टू जीरो, सो आंसर इज जीरो। सो विच ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, एल्फा इज द बेस्ट ऑप्शन, इज इट फाइन। See you in tomorrow's lecture about capacitor and next chapter current electricity, हमारा कल करेंगे। अच्छा 5 मिनट के अंदर।